डॉक्टर, मेरे सोनोग्राफी पे बताया है कि बच्चे के गले में नाड़ है, और इससे क्या मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है? क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? इसका कोई इलाज है क्या? कैसे वो नाड़ निकल सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल लेके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जिनको बताया गया है कि सोनोग्राफी पे बताया गया है कि उनके बच्चे के गले में नाड़ है। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि गले में नाड़ क्यों फंसा जाता है, अगर गले में नाड़ होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और एग्जैक्टली ये नाड़ होता क्या है। तो आइए मैं आपको इस पिक्चर के द्वारा बताती हूँ कि एग्जैक्टली नाड़ होता क्या है। ये यूट्रस है पूरा, आपको ये मिरर इमेज में दिखेगा क्योंकि मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है। ये बेबी है आपका, ये बेबी के अम्बिलिकस से जो नाभि की जगह है वहां से लंबा सा नाड़ निकलता है जो कि आवल से कनेक्ट हो जाता है। ये आवल या इसको प्लासेंटा बोलते हैं। ये क्या करता है, ये माँ से जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये नाड़ के द्वारा बच्चों को पहुंचाता है, और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को नाड़ के द्वारा से मिलते हैं। नाड़ करीब करीब ये 20 इंच लंबा होता है और 1 इंच मोटा होता है, और इसके अंदर वेसल्स होते हैं यानी वेन्स, आर्टरीज। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बेबी तक पहुँचता है, और बेबी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो गंदा खून होता है वो नाड़ से ही आवल तक जाता है और माँ के शरीर से फिल्टर होके फिर से बेबी के पास आता है। तो नाड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी तक न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए, और ये इतना लंबा होने की वजह से कभी कभी गले के आजू बाजू भी फंस सकता है। तो इसे हम न्यूकल कॉर्ड बोलते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक बोलते हैं। ये कॉर्ड अराउंड नेक यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड नेक यानी नकल कॉर्ड 15 से 35% प्रेगनेंसी में होता है, यानी हर 3 से 4 पेशेंट में एक पेशेंट की सोनोग्राफी पे कॉर्ड अराउंड नेक या गले में नाड़ बताया जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? तो इसका ये जवाब है कि जैसे मैंने बताया, अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, अगर बच्चे की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो कभी कभी कॉर्ड गले को आजू बाजू में जाके गले से बन सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। अगर पानी आपके पेट में बच्चे के आजू बाजू पानी ज़्यादा है तो भी ये कॉर्ड पानी में घूम फिर के बच्चे की आजू बाजू में नाड़ बना सकता है। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है या जो अम्बिलिकस कॉर्ड के आजू बाजू में ना वॉटन्स जेली होता है जो कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, अगर वो कॉर्ड के आजू बाजू वॉटन्स जेली की मात्रा कम है तो भी कॉर्ड कंप्रेशन हो जाता है, पतला कॉर्ड हो जाता है और जो इजीली गले में नाड़ बना लेता है। तो ये कुछ कारण है कि किस वजह से आपके बच्चे के गले में नाड़ आ सकता है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि गले में नाड़ है? 90% ऑफ द टाइम्स, लाइक 87% ऑफ द टाइम्स सोनोग्राफी पे डॉक्टर हमको रेडियोलॉजिस्ट बता देते हैं, स्पेशली जो आखिरी महीने में कलर डॉपलर स्टडीज होती है जहाँ पे बच्चे के ब्लड फ्लोज देखते हैं, वहाँ उस सोनोग्राफी की स्टडी से हमको पता चलता है कि बच्चे के गले में नाड़ फंसा है या नहीं फंसा है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर नाड़ फंसा है तो आपको डरने की आवश्यकता है या नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या उसके लिए सिजेरियन ही करना पड़ सकता है, ये हम जानते हैं। अगर बच्चे के गले में नाड़ फंसा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे होता है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये नाड़ जो है वो बच्चे से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही बच्चा डिलीवरी के समय पे नीचे आने की कोशिश करता है, ये थैली का मुंह है, यहाँ से बच्चा नीचे आने की कोशिश करता है तो ये नाड़ खींची जा सकती है। कभी कभी जब ये नाड़ बच्चे के गले में ट्विस्ट होके रहती है, जैसे बच्चे के गले के
आजू बाजू में रहती है, तो बच्चे को कभी कभी डिलीवरी के दौरान फांसी भी लग सकती है। और बच्चे का जो नाड़ होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रहते हैं, तो कभी कभी बच्चे की धड़कन भी कम ज़्यादा हो सकती है। बच्चे के ब्रेन तक जो ऑक्सीजन जाता है वो भी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बच्चे को कम हो सकती है। और बहुत लंबे समय तक अगर बच्चे की धड़कन कम रही और बच्चे के सिर तक ऑक्सीजन, ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचा है, तो बच्चे को परमानेंट बीमारी, दिमागी तौर पे परमानेंट बीमारी हो सकती है। तो हमको कैसे पता चलता है कि बच्चे के गले में नाड़ है? पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि सोनोग्राफी पे ही पता चल सकता है, और स्पेशली लास्ट मंथ में जब भी कलर डॉप्लर स्टडीज करते हैं उसमें से हमको पता चलता है। दूसरी चीज़ है कि अगर सोनोग्राफी पे भी मान लो बताया नहीं है, या कोई डॉक्टर ने स्पेसिफिकली गले में नाड़ है ये नहीं देखा है, तो डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे की धड़कन ईच कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे जैसे दर्द आता है, दर्द से बच्चे की धड़कन अगर कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली हम बच्चे की हार्ट बीट्स मॉनिटर करते रहते हैं ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी के समय पे, तो बच्चे के हार्ट बीट अगर विद कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रहे हैं, यानी आपको सस्पेक्ट करना है कि बच्चे के गले में नाड़ हो सकता है, क्योंकि दर्द के साथ अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है यानी कि नाड़ दब रहा है कहीं पे, तो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड दब रहा है, इस वजह से बच्चे को ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है। तो ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रैक्शंस के साथ जब भी बच्चे की धड़कन कम हो रही है, ऐसे केस में आपके डॉक्टर आपको तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन के बारे में आपको सलाह दे सकते हैं। आते हैं बहुत ही ज़रूरी सवाल से, गले में नाड़ होने की वजह से क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो ये सवाल मैं आपको बताना चाहूँगी इसका जवाब। अगर बच्चे के गले में एक ही नाड़ है तो ऑफकोर्स नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, और हो भी जाती है बहुत सारी बार। नॉर्मल डिलीवरी 90% ऑफ द टाइम्स आराम से हो जाती है, पर यही है कि आपके डॉक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे, मेरी पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी पड़ेगी। कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, कभी भी जब भी डिलीवरी होते समय पे ऐसा लग रहा है कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, दर्द के साथ जैसे जैसे दर्द बढ़ रहे हैं बच्चे की धड़कन कम हो रही है, तो ऐसे केस में आपके डॉक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, सिजेरियन बोल सकते हैं आपको बच्चे की जान बचाने के लिए, बच्चे तक, क्योंकि थोड़े समय के लिए भी अगर बच्चे को ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो परमानेंट दिमागी बीमारी बच्चे को हो सकती है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है और बहुत सारी और बीमारियां भी हैं। तो आपको और डॉक्टर को हमेशा ड्यूरिंग द लेबर चकित रहना है, अगर गले में नाड़ है तो डिलीवरी के समय पे बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपरली मॉनिटर करनी है। 90% ऑफ द टाइम्स बच्चे आराम से निकल जाते हैं डिलीवरी के समय पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर अगर आपके सोनोग्राफी पे 2 या 3 नाड़ बताए हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए। शायद आपके डॉक्टर आपको बहुत ही छोटा शॉर्ट ट्रायल ऑफ लेबर देंगे, 6 से 8 घंटा लेबर का ट्रायल दे सकते हैं, जिसमें कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आप अच्छे से प्रोग्रेस हो रहे हो, बच्चे का सिर अच्छे से नीचे आ रहा है, धड़कन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर डॉक्टर आपको सिजेरियन की सलाह दे सकते हैं। अगर बच्चे के गले में नाड़ है तो इसका कोई इलाज है? जैसे कि मैंने बताया कि ये क्यों होता है, नाड़ बच्चे के गले में कैसे फंसता है, बच्चे की मूवमेंट्स की वजह से फंसता है, अगर पानी ज़्यादा है तो फंसता है, कॉर्ड की लंबाई ज़्यादा है तो होती है, तो ये सारी चीज़ें कुदरती है, ये सारी चीज़ें कोई डॉक्टर के या आपके खुद के हाथ में भी नहीं है, तो इसकी फ्रेंकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये बच्चा कैसे घूमता है, आपके बच्चे के आजू बाजू पानी कितना है, ये उसके ऊपर है, और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट में बताया है कि बच्चे के गले में नाड़ है, तो आपके डॉक्टर बेस्ट है आपको जज करने के लिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन बच्चे का वजन, बच्चे के आजू बाजू का पानी। पर 90% ऑफ द टाइम्स मेरे एक्सपीरियंस में सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड, यानी कि एक ही गले में एक ही लूप ऑफ कॉर्ड है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल है, और आपको आपके डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में।
तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आपके जैसे प्रेग्नेंट बहनों को भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए जो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि और कोई टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल मेरे मुझे टॉपिक्स बता सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।